हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का आज का दिन कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इनकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ चीजें हो सकती हैं। गाइड करिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज की एनर्जी। अगर आपका और इनका कॉन्टैक्ट हो रहा है तो आज के दिन में ये आपके साथ इनसिक्योर बिहेव कर सकते हैं, या आपको ऐसा फील हो कि ये कुछ चीजें आपसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, और अगर बातचीत नहीं होती है तो ये थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कहीं सोशल मीडिया पे भी ना आए। बहुत ज्यादा डिटैच होने की एनर्जी है, अपने ही जोन में रहने की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ हर्मिट। यस, डिटैच रहेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे, हो सकता है किसी गुरु की गाइडेंस को फॉलो करें, बहुत ज्यादा मेडिटेशन पे ध्यान रखना, भगवान शिव के मंदिर चले जाना, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेगा। बहुत ज्यादा बड़े लोगों की बात को सुनना, मैच्योरिटी को गेन करना, मतलब बचपने वाली अगर एनर्जी रही थी तो इमोशनली मैच्योर बिहेव करेंगे। नेक्स्ट है फोर ऑफ कप्स। अगर इन्होंने आपके प्रपोजल को ठुकराया है, रिजेक्ट किया है, तो इस चीज का भी इनको डीप रियलाइजेशन आज के दिन में हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। करियर को लेकर स्ट्रेटजीज क्रिएट करने की एनर्जी, और जो ध्यान है वो सिर्फ करियर पे रहेगा। करियर, फाइनेंसेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं आज के दिन में, सिर्फ मेहनत करते जाएं। आपकी तरफ भी कोई कॉल मैसेज आ सकता है, आपके साथ सुलह कर लें, पीसफुल रिजोल्यूशन कर लें, आपको कॉल मैसेज कर दें, प्रॉपर तरीके से अच्छे से बातचीत करें। नेक्स्ट वी हैव हायरोफेंट। आज के दिन में इनके लव लाइफ में शादी से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो सकता है, या तो ये डिस्कशन आपके साथ करेंगे अगर आपका ऑलरेडी कॉन्टैक्ट है, नहीं है तो इनके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, अरेंज मैरिज को लेकर, ट्रेडिशंस को, कल्चर को लेकर। नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द लास्ट एनर्जी वी हैव हैंटमैन। बट ये जो सिचुएशन है ये आगे जाएगी नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कर्मा फेस कर रहे हैं अपने लव लाइफ को लेकर, जिसकी वजह से अगर शादी कहीं और सोच रहे हैं तो चीजें वर्कआउट नहीं होंगी। और इवन यहां पर ऐसी एनर्जी कि कोई स्टक एनर्जी की वजह से ये बैडली स्टक हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, या तो लॉसेस के जरिए या एंजाइटी स्ट्रेस के चलते कुछ स्टेग्नेंट एनर्जी रहेगी जिनको कहीं मूवमेंट नहीं लेने देगी। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है तो आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपको प्यारे प्यारे मैसेजेस कर दें, और अनएक्सपेक्टेड वे में, जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, आपके साथ रियूनाइट हो जाए, सडन आपको कॉल मैसेज कर दें, क्योंकि लवर्स की एनर्जी भी आई है यहां पे। डिवाइन से, आपके रिश्ते से रिलेटेड कोई ना कोई क्लैरिटी, गाइडेंस भी इनको एंजल्स की तरफ से मिल सकती है आज के दिन में। सो गाइज, ये थी कार्ड्स ऑफ द डे की एनर्जी, आपके पार्टनर की आज की एनर्जी। होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।